हेलो एवरीवन, मैं मुर्तुजा खान। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ यूनिवेका 301 यूबी ओनटी को पीपीओई मोड में कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे। तो सबसे पहले ओनटी को ऑन करना है और लैन केबल से कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करने के बाद विंडो प्लस आर प्रेस करना है ओनयू में आईपी डालने के लिए, सिस्टम में आईपी डालने के लिए। तो विंडो प्लस आर प्रेस करने के बाद यहाँ टाइप करना है ncpa.cpl और ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद यहाँ पे नेटवर्क कनेक्शन वाला ऑप्शन आएगा, तो इस पे इथरनेट या लोकल एरिया कनेक्शन दोनों एक ही होता है, उस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है। प्रॉपर्टीज पे क्लिक करने के बाद इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस सेलेक्ट करना है। आईपी एड्रेस सेलेक्ट हो जाने के बाद आईपी टाइप करना है, इसका जो डिफॉल्ट आईपी है उसी सीरीज का 192.168.100.22, और सबनेट पे क्लिक कर देंगे ऑटोमेटिक आ जाएगा। देन ओके कर देना है, फिर से ओके कर देना है और क्लोज कर देना है। इसको मिनिमाइज करके ब्राउजर ओपन कर लेना है। ब्राउजर पे इसका डिफॉल्ट आईपी टाइप करना है 192.168.100.1 और इंटर करना है। इंटर हो जाने के बाद लॉगिन पेज आएगा, इस पे टाइप करना है टेलीकॉम एडमिन, पासवर्ड है एडमिन टेलीकॉम। टाइप करने के बाद इसे लॉगिन कर लेना है, लॉगिन पेज पे क्लिक करने। तो लॉगिन हो जाने के बाद सबसे पहले लैन को बाइंड करना होता है, तो लैन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहां दो लैन आ रहे हैं, लैन 1 एंड लैन 2, तो लैन 1 को भी सेलेक्ट कर लेना है और लैन 2 को भी सेलेक्ट कर लेना है और अप्लाई कर देना है। अप्लाई हो जाने के बाद वैन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां एक नया वैन क्रिएट कर लेना है, तो क्रिएट करने के लिए न्यू पे क्लिक करना है। क्लिक हो जाने के बाद इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करना है, आईपीओई मोड को सेलेक्ट करके पीपीओई मोड में कर देना है। सारा कुछ एज इट इज रहेगा। VLAN इनेबल कर देना है और 1161 डाल देना है। अगर VLAN यूज करते हो तो डालना, नहीं यूज करते हो तो नहीं डालना। उसके बाद बीबी टेस्ट में डाल दिया यूजर आईडी, पासवर्ड डाल दिया BSNL MP और लैन, दोनों लैन को मैंने फिर से बाइंड कर लूंगा, लैन 1 एंड लैन 2। बाइंड हो जाने के बाद सब कुछ को एज इट इज रहने देना और अप्लाई पे ओके करना है। अप्लाई पे ओके कर देने के बाद वैन कनेक्शन क्रिएट हो चुका है। देन चेक करने जाना है स्टेटस अप हुआ कि नहीं, तो स्टेटस पे क्लिक करना है, वैन इंफॉर्मेशन पे क्लिक करना है और यहां आप देख सकते हैं ये कनेक्टेड है, हमारे सर्वर से ये कनेक्ट हो चुका है। तो इस तरह से हम 301 VP को PPOE मोड में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे, और इसी तरह का अगर वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट में जरूर डालना। थैंक यू।